अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर समझते हैं। हालांकि वेक्टर वेक्टर होता है, वेक्टर के टाइप नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले वेक्टर होते हैं दो वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। पता चला दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम है, और दोनों की लेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब हम इन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे। ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी सेम है और जिनका जिनका क्या सेम है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, इन दोनों वेक्टर्स को हम आपस में एक दूसरे का इक्वल वेक्टर कहेंगे, और इसे लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंथ दोनों की सेम। लेंथ किससे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है और क्या सेम है, लेंथ दोनों की सेम यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और क्या, डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये मत समझ लेना कि ये तो यहाँ बना रखा ही जाए, जिस जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। आप दो बाइक पे आप चल रहे हो साथ साथ, जिस डायरेक्शन में आपका दोस्त जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, तो दोनों की वेलोसिटी अगर एक सी है तो अब आप कहेंगे दोनों की वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड भी सेम यानी लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ये इक्वल वेक्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर का उल्टा। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर्स वो दो वेक्टर जिनके आपके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम हो यानी कि लेंथ जिनकी सेम है, लेंथ जिनकी सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी हो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो, तो इसे हम अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। कौन से होंगे अपोजिट वेक्टर, देखो ध्यान से, एक आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी लेंथ का इतनी ही लंबाई का, बिल्कुल उतनी ही लंबाई का बी वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। बस ऐसा नहीं है कि इसके बराबर में ही बनाओगे, इसे कहीं भी बना सकते हो, आगे पीछे बना सकते हो। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, लेंथ दोनों की सेम, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, तो हम क्या कहेंगे, इसे लिखा जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल्स माइनस ए वेक्टर। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों की लेंथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो, तब ए वेक्टर इक्वल्स माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल्स माइनस ए वेक्टर, ये आपका लिखा जाएगा। क्लियर हो इतनी बात, ये अपोजिट वेक्टर्स। उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, जिनका मैग्नीट्यूड या लेंथ सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड एंड लेंथ चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है, उन दोनों पैरेलल वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये ए वेक्टर आपका ए वेक्टर, दूसरा ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन एक है लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है, लेंथ चाहे इक्वल हो या ना हो लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है तो आप कहेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी है। ए वेक्टर बी वेक्टर अगर इक्वल है आपस में तो निश्चित रूप से ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। पैरेलल वेक्टर कौन से, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर जिनकी लेंथ चाहे इक्वल हो
चाहे इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन अगर दोनों की सेम है तो हम इन्हें बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसके अगेंस्ट इसका उल्टा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल कौन से वेक्टर होंगे जिनका की मैग्नीट्यूड यानी के लेंथ, मैग्नीट्यूड लेंथ ये आपकी चाहे तो इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, लेंथ चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे कि एक ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, एक ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप क्या कहेंगे, ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर, एंटी पैरेलल इन्हें बोला जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट वेक्टर्स हैं, जो अपोजिट वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो होने ही है, होने हैं, सिंपल सी बात है। या इसका उल्टा यहां से समझ लो आप कि अगर दो एंटी पैरेलल आपके वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ सेम हो गई, अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की लेंथ सेम हो गई तो वो अपने आप क्या बन जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। अपोजिट वेक्टर जो है ये एंटी पैरेलल तो है ही, ऑलरेडी है। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो दो वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो वो कोइनिशियल वेक्टर से, जैसे कि आपने वेक्टर बनाया ये ए वेक्टर और यहीं से आपका दूसरा वेक्टर बना हुआ हो, दोनों का स्टार्ट एक ही है, इन्हें हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल दोनों का सेम है, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तब आप कहेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगले वेक्टर्स हैं को प्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स इन सेम प्लेन। प्लेन वर्ड समझते हो क्या, ये वेक्टर्स इन सेम प्लेन, प्लेन समझते हो क्या होता है, समझो प्लेन का मीन ये आपका जो पेपर है ये एक प्लेन है, ये फ्लैट सरफेस हो गई आपकी, ये एक सिंगल प्लेन कहलाएगा आपका, ये प्लेन है एक्चुअल में, ये जो कुछ भी आपने लिखा है या बनाया है ये एक ही प्लेन पर, एक ही पेपर पर बनाया हुआ है ना, जिस पेपर पर मैंने ये लाइन बनाई उसी पेपर पर ये लाइन बनाई, उसी पेपर पर मैंने ये लिखा उसी पेपर पर ये लिखा है, तो ये जो कुछ भी किया हुआ है ये एक ही प्लेन पर है। प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस, टू डायमेंशनल है, इसमें इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेक भी है, दो दो डायमेंशन है, तो प्लेन क्या है, प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस कोई सी भी हो कहीं भी हो। और अक्सर जो हम यूज करेंगे वो तीन तरह के प्लेन यूज करेंगे, चलो प्लेन की बात कर ले पहले, बाद में कोप्लेनर हम वर्ड समझेंगे, पहले प्लेन की ही बात कर ले, हम तीन प्लेन यूज करेंगे अपने पूरे वेक्टर एनालिसिस में। देखिए ध्यान से, ये मेरा एक पेन, मैंने इसे कहा कि ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस, मेरा दूसरा प्लेन मैंने इसे कहा ये वाई एक्सिस है, दोनों को मैंने यहाँ पकड़ लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तीसरा मेरा पेन इसको मैंने कहा जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है,
मेरे ख्याल से जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है उसे भी इतना तो पता होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या होती है। कोई आप में से ऐसा है जिन्हें एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में ना पता हो? ये तीन लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, और कैसी हैं? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो, ये ग्रीन वाला पेन और ब्लू वाला पेन मेरा, ये ग्रीन पेन और ये ब्लू पेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इस ग्रीन पेन के बीच में, ब्लू पेन के बीच में, दोनों 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा के देखूँ, ऐसे ऐसे करके घुमा के देखूँ, तो मेरा ये वाला पेन और इस पेन, इनके बीच में भी क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। थोड़ा यूं घुमा के देखूँ तो इनके बीच में 90 है और इन दोनों के बीच में 90 है। ये मैंने तीन लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोई सी भी दो देख लो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सेस कहलाती है। इनमें से किसी को आप एक्स वाई जेड ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे ले रहा हूँ एक्स एक्सेस। दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है, ये मेरी बन गई एक्स एक्सेस। और यहां से जो मेरा ग्रीन वाला पेन है, ये बन रहा है वाई एक्सेस। क्या बन रहा है? वाई एक्सेस। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये मेरा स्केल है, मैंने इसको यहां लगा दिया। कहां? कि ये एक्स एक्सिस भी इस स्केल पर आ रही है और वाई एक्सिस भी इसी सेम स्केल पर आ रही है। तो अब मेरा जो ये स्केल रखा हुआ है, चाहे ये किसी भी शेप का है, इस टाइम हम कहेंगे दिस स्केल इज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस भी आ रही है, ये मैंने हाथ लगा दिया अपना यहाँ पर पूरा, ये मैंने हाथ लगा दिया, तो एक्स एक्सिस भी मेरे हाथ पे बनी हुई है और वाई एक्सिस भी मेरे हाथ पे बनी हुई। अब ये जो मेरा हाथ है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मैंने अपना हाथ यहाँ लगा दिया। अब मेरे हाथ पर कौन सी दोनों एक्सिस आ रही है? जेड एक्सिस भी आ रही है और वाई एक्सिस भी आ रही है, ग्रीन पेन भी आ रहा है और ये वाला पेन भी आ रहा है ऊपर। तो अब मैं इस हाथ को कहूंगा ये क्या है, मैं कहूंगा मेरा हाथ इस टाइम वाई जेड प्लेन में है। माई हैंड, माई पाम इज इन वाई जेड प्लेन, या मेरा जो पाम है इस टाइम क्या है, ये इट इज वाई जेड प्लेन, क्योंकि वाई एक्सिस भी आ रही है मेरे इसी हाथ के ऊपर बनी हुई है और जेड एक्सिस भी बनी हुई है। जब मैंने ऐसे रखा था तो मेरे हाथ पर कौन कौन सी एक्सिस आ रही थी? एक्स एक्सिस मेरे हाथ पे बन रही थी और वाई एक्सिस मेरे हाथ पर बन रही थी, और जेड एक्सिस तो बाहर निकल गई थी परपेंडिकुलर। तो अब क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ है एक्स वाई प्लेन में। अब कहाँ है? अब मेरा हाथ है वाई जेड प्लेन में। ठीक है, और ये मैंने ऐसे कर लिया अपना हाथ, तो अब मेरे हाथ पे कौन कौन सी एक्सिस बन रही है? अब ये सवाल आपसे है, अपना हाथ रेज योर हैंड। अब मैंने हाथ ऐसे रख लिया है, तो मेरे हाथ पर देखो कौन सी एक्सिस आ रही है और कौन सा प्लेन मेरा हाथ किस प्लेन में है, आप ये बताइएगा इस टाइम। हाँ, रेज योर हैंड कि मेरे हाथ पर कौन कौन सी एक्सिस है और मेरा हाथ इस समय किस प्लेन में है। ये ब्लू वाला एक्स एक्सिस, ये ब्लू वाला एक्स एक्सिस और ये ग्रीन वाला वाई एक्सिस। तो ये मैंने पेपर यहाँ लगाया, ध्यान से देखना, तो अभी ये किस कौन सी दो एक्सिस पर आ रही है? एक्स एक्सिस भी इसी कागज के ऊपर आ गई और वाई एक्सिस भी आ रही, तो एक्सिस कौन सी? एक्स एंड वाई। तो किस प्लेन में है ये? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में है ये? एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई है ना। देखो, अब मैं इसको यहाँ ले आऊं, अब किस प्लेन में है बताना? सो एक्स वाई। अब भी एक्स वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे इस पेपर के ऊपर आ रही है, तो एक्स वाई प्लेन में। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो भी एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं इसे यहाँ लगा दूं तो भी एक्स वाई प्लेन में, और अगर पूरा पेपर मैं ऐसे बना लूं, ये देखो पूरा पेपर मैंने ऐसे लगा दिया है, अब ये मेरा पूरा पेपर किस प्लेन में है? ये पूरा पूरा का पूरा पेपर एक्स वाई प्लेन में है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्स एक्सिस भी आ रही है, वाई एक्सिस भी आ रही है, चारों क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अब फिर से देखिएगा ध्यान से,
तो टाइम खत्म होने वाला है,